उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने ये फैसला किया है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बहराइच में बनेगा, साथ ही उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाने का फैसला योगी जी की सरकार ने लिया है। चित्तौरा का वो मैदान जिस मैदान पर एक बड़ी लड़ाई किसी कालखंड में हुई, देश को बचाने की लड़ाई हुई, बाहर के आक्रांता सैयद सलार मसूद और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के बीच में जिस चित्तौरा के मैदान में वो लड़ाई हुई, उस चित्तौरा के मैदान को भी, उस पूरे इलाके को पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी फैसला योगी जी की सरकार ने लिया है। इन तमाम महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का भी, उनके संग्रहालय का भी, तमाम विकास की योजनाओं का जो उनसे जुड़ी हुई हैं, इनका सबका 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर पूज्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से एक वर्चुअल शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली से वर्चुअल जुड़ेंगे और हम सब लोग, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग बहराइच में उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और फैसला किया है, महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस पर 16 फरवरी को प्रदेश में जहाँ जहाँ महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमाएं होंगी, मूर्तियां होंगी, वहाँ पर हमारा पुलिस विभाग, अपने पुलिस विभाग का अपने विभागी बैंड को बजाकर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा, महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम।